रहती हैं। आप अपने आत्मरक्षा स्वयं करना सीखिए और अपने मन से डर निकालिए। कभी अपनी अभिनय कला और संगीत के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड इंडस्ट्री पर इन दिनों तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। सिल्वर स्क्रीन के अदाकारों पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन सवालों की लिस्ट बड़ी लंबी है, जवाब मिलने में वक्त लगेगा। साल 2019 में मिस भोपाल का खिताब जीतने वाली सृष्टि ने इन सब बातों के जवाब दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चकाचौंध से भरी इस इंडस्ट्री में आने के लिए युवाओं को क्या करना चाहिए और ये भी बताया कि ड्रग्स के दलदल से कैसे बचा जा सकता है। कोरोना संक्रमण के बीच जिंदगी वापस एक बार पटरी पर लौट रही है। सलून में भी लोग पहुंच रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स में भी लोग पहुंच रहे हैं। सृष्टि उपाध्याय 2019 की मिस भोपाल हैं, हमारे साथ उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं और अब जो कोरोना संक्रमण के बीच किस तरह से आगे काम होगा, किस तरह से प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, उन सबको लेकर बात करेंगे। पहले तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए। सृष्टि, अब कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीन नहीं बनी है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस के साथ अब वक्त पर वापस लौटेंगे? जी, प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोरोना का संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है तेज़ी से। भोपाल में आए दिन नए केसेस आ रहे हैं, पर यह है कि हम काम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि 8 महीने लगभग लॉकडाउन में, 6 महीने लॉकडाउन में हम घर में ही थे एंड उसके बाद फिर हमने कोई काम नहीं किया है। तो होपली हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और इस मीडिया इंडस्ट्री वगैरह सब सपोर्ट में हैं अब तो। सो बस यही है कि आप एक आइडियल बन गई हैं अब, चूँकि 2019 की मिस भोपाल रही हैं। तो बहुत से हम इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ सुन रहे हैं, जिस तरह का पूरा मुंबई से खबरें आती रहती हैं, ड्रग्स की बात आती रहती है, तो इन सब को लेकर क्या कहना चाहेंगी? आपके हिसाब से इंडस्ट्री को लेकर जो बातें वर्तमान में कही जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है? मेरे ख्याल से ड्रग्स सभी लेते हैं, मुंबई तो ड्रग्स के लिए बहुत आगे है और मेरे ख्याल से जो रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, इवन जो उनके खिलाफ भी है, हो सकता है वो भी ड्रग्स लेते हों। तो मे बी चेकिंग फिर सबकी ही होनी चाहिए, पूरा बॉलीवुड भी इसमें शामिल है, तो मेरे ख्याल से सबका ही चेकअप होना चाहिए। और लेते हैं ड्रग्स, ये गलत है, नहीं लेना चाहिए, बट लोग ले रहे हैं, अब उसमें कुछ कर भी नहीं सकता है कोई। असिस्टी, अपनी जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस इंडस्ट्री में आई, कैसे आपने सोचा कि मिस भोपाल कॉम्पिटिशन में जाना चाहिए? एक्चुअली फैमिली सपोर्ट इज टू इम्पॉर्टेंट, मतलब हमारे फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए। एंड या फैमिली ने मुझे बोला कि जाओ, इंटरव्यू दो, हर जगह जाओ, ट्राई करो, अपना बेस्ट दो। एंड या अब आगे क्या सोचा है, क्योंकि कोरोना का टाइम, और पहले तो मेरा सवाल यही है कि कोरोना का जो टाइम था ये कैसे घर पर स्पेंड किया, क्योंकि अमूमन आदत रहती है बाहर रहने की, शोज़ करने की, मॉडलिंग करने की, तो बड़ा मिस किया होगा? जी, मिस तो सभी करते हैं अपने काम को। एक्चुअली जब जो लॉकडाउन का टाइम था, सो घर के काम, एक्सरसाइजेस, बुक रीडिंग्स एंड ये सारी चीज़ों में निकला है और एक होप था कि सब सही हो जाएगा। एंड अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब गाड़ी पटरी पे आ रही है धीरे धीरे। एंड अब यही है, विशेष हैं कि सब सही हो जाए, बस जल्दी से वैक्सीन आ जाए और हम फिर से अपने काम पे वापस हो जाएं अच्छे से। बहुत सी लड़कियां मॉडलिंग करना चाहती हैं जी, कॉम्पिटिशन्स जीतना चाहती हैं, तो उन लड़कियों के लिए क्या कहें, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार छोटे शहरों की, गांव की लड़कियां होती हैं मॉडलिंग करने के लिए, घर की परमिशन नहीं होती, शहरों का रुख कर लेती हैं, दिल्ली मुंबई चली जाती हैं। मेरे ख्याल से एक सोच के ऊपर डिपेंड है, अगर आज की जनरेशन है वो अपने हिसाब से सोचती है, लेकिन जो कल की जनरेशन्स है वो अपने हिसाब से सोचते हैं, तो वो टैकल करना बहुत ज़रूरी है, अपने पेरेंट्स को मनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अपने घर वालों की मर्ज़ी लेनी चाहिए, उसके बाद इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। एक मॉडल के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए? मॉडल के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्ट्रीम एंड या मेकिंग अ फिटनेस फ्रीक, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत ज़रूरी है एंड कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। थैंक यू। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अब आप वर्क पर वापस लौटेंगी तो कोरोना को लेकर किस तरह का प्रिकॉशन लिया जाएगा, क्योंकि अब तक वैक्सीन नहीं है, बातें हो रही बहुत सारी।
अब होपफुली सब वापस तो आ गए हैं अपने कामों में, बट प्रिकॉशंस तो सब ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। अभी मेकअप कर रही हैं दीदी हमारी, वो भी हम मतलब प्रिकॉशंस के साथ ही हैं, किट में हैं वो, एंड सोशल डिस्टेंसिंग है, प्रॉपर है। एंड अब प्रिकॉशंस तो यही ले सकते हैं क्योंकि अब आगे का पता नहीं है कब क्या कैसा सिचुएशन सही हो। अब हम ऐसे बैठ भी नहीं सकते हैं हाथ पे हाथ रख कर, क्योंकि अब आगे काम भी करना है और रोटी पानी भी है, तो इसलिए। आप क्या कहेंगी कि आप लोगों के पास आते हैं, सलून में आते हैं, तो आप प्रिकॉशन किस तरह की रखती हैं, और जो टाइम था ये टाइम कैसे निकला? टफ टाइम तो था, बट अब मैं कहना चाहूँगी कि ट्रस्ट इस बहुत ज़रूरी है। कस्टमर आप पे ट्रस्ट करता है, और आप देखिए आप बैक टू वापस हमारा काम वैसे के वैसे ही स्टार्ट हो गया। हम लोग काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, इवन मेकअप में भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जितना भी मेकअप प्रोडक्ट रहता है, हम एक एक चीज़ एक एक ब्रशेस को सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि हमें इस काम को करने के लिए, ये कोरोना ऐसी चीज़ हो गई है जो उसमें कि आप ऐसा नहीं कि उनके लिए प्रिकॉशन है, आप अपने लिए सेल्फ प्रिकॉशन भी ले रहे हैं। तो सभी तरह से मैं देख रही हूँ कि प्रिकॉशन लेके ही सब काम कर रहे हैं, और वापस धीरे धीरे सब चीज़ें बैक टू वापस स्टार्ट हो चुका है। होप सो सब अच्छे से सब सही हो जाए। तो भरोसे के साथ ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है। सर सृष्टि ने भी बताया कि जांच हर किसी की होनी चाहिए, नशे को लेकर ड्रग्स को लेकर बातें तो बहुत कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उनकी भी बात होनी चाहिए, और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। भोपाल से कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी भोपाल। गलतियाँ हर कोई करता है, गंदगी हर इंडस्ट्री में होती है, लेकिन सृष्टि से बात करके हमें समझ आया कि आप अगर सही हैं, सही वक्त पर सही कदम उठाते हैं, तो आप उस गंदगी से दूर रह सकते हैं, आप वो गलतियाँ करने से बच सकते हैं। तो फेस इन द क्राउड कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि युवाओं को हम प्रेरणा भी दे सकें, इसके साथ ही उन युवाओं के बारे में आपको बता सकें जो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और उनके काम करने के तरीके को भी आप जानकर स्वप्रेरणा से आत्मनिर्भरता के आधार पर कुछ ऐसा कर सकें जो कि आपके परिजनों के नाम को भी बढ़ाए, आपके नाम को भी बढ़ाए, और आप एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार। रहती हैं। आप अपनी आत्मरक्षा स्वयं करना सीखिए और अपने मन से डर निकालिए।